हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेटिक्स की जो एक क्लास है हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ये बताया था कि जो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होते हैं वो हमारे पीसीटी पर काम करते हैं, और जो कार्बनिक एनहाइड्रेस होती है उसके अंदर हमें तीन ड्रग्स के बारे में देखना है, जिसमें से हमें मेन ड्रग देखनी है वो है हमारी एसिटाजोलामाइड। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा दो ड्रग और आती है, वो आती है एक हमारे पास डोरजोलामाइड और एक आती है हमारे पास ब्रिंजोलामाइड। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो दोनों ड्रग्स हैं डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड, ये दोनों ड्रग्स टॉपिकल ड्रग्स होती है। ठीक है, अब हम इसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में देखते हैं। देखो, मोड ऑफ एक्शन के लिए मैंने इसके अंदर एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट के अंदर देखना आप जो पीसीटी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो पीसीटी के अंदर जो सेल्स होती है वो हो गई ट्यूबुलर सेल्स, और मैंने इधर की साइड बना रखा है, ये बना रखा है ट्यूबुलर फ्लूड। ठीक है, जो कि कैविटी के अंदर, जो हमारे पास ट्यूबुलर कैविटी है उसके अंदर जो फ्लूड है, जो यूरिन फिल्टर होके आ रहा है, वो इधर की साइड कर रखा है। ये हमारे पास ट्यूबुलर सेल्स और ये हमारे पास हो गया इंटरस्टिशियम ब्लड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से देखिए आप, होता क्या है कि जो यूरिन के अंदर हमारे पास वॉटर आता है और जो CO2 आती है, ये क्या होती है, ये वाटर और जो CO2 होती है ये हमारी ट्यूबुलर सेल्स जो होती है पीसीटी की, उनके अंदर ये क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है। और पीसीटी के अंदर क्या होता है, डिफ्यूज होने के बाद क्या होता है कि जो CO2 और H2O होती है, ये दोनों कार्बनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम होता है इसकी प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट, ठीक है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट जो होता है H2CO3 इसका फॉर्मेशन करती है। और ये जो H2CO3 होता है, ये H2CO3 क्या होता है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, जैसा कि हम सबको पता है वो होता है एक हाइड्रोजन आयन और एक बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। अब फ्रेंड्स, ये जो बाइकार्बोनेट आयन होता है, ये बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ये हमारे इंटरस्टिशियम जो ब्लड होता है उसके अंदर ये क्या होता है, चला जाता है। अब बात बची हमारे पास किसकी, हाइड्रोजन आयन की। हाइड्रोजन आयन क्या होता है कि जो पीसीटी की सेल्स होती है उसकी ल्यूमिनल सरफेस पे, ठीक है, ये कौन सी सरफेस है, ल्यूमिनल सरफेस, क्योंकि ल्यूमिन की तरफ है, तो इसकी तरफ क्या होती है, यहाँ पर एक हमारे पास चैनल पाया जाता है, इस चैनल का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर। एंटीपोर्टर का मतलब क्या होता है कि दो आयन जो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन यहां से जो ट्यूबुलर सेल्स होती है यहां से बाहर जाता है, और जो सोडियम आयन होता है वो ट्यूबुलर कैविटी से क्या होता है, अंदर की तरफ आता है ट्यूबुलर सेल्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन तो बाहर चला गया, अब बाहर जाने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो यूरिन था जो फिल्टर होके आ रहा था उसके अंदर क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट। जी, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, दो पार्ट के अंदर डिसोसिएट होता है, ठीक है, जिसमें से एक तो हमारे पास सोडियम आयन आ जाता है और एक हमारे पास कौन सा जाता है, बाइकार्बोनेट आयन। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि जो सोडियम आयन है वो तो इस एंटीपोर्टर के थ्रू क्या हो गया, ट्यूबुलर सेल्स के अंदर चला गया, और ये ट्यूबुलर सेल से होता हुआ कहां पे चला गया, ये इंटरस्टिशियम फ्लूड के अंदर चला गया, मतलब हमने Na+ को रिटेन कर लिया, रीअब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, जबकि अगर मैं यहां पे देखूं तो जो बाइकार्बोनेट होता है, ये बाइकार्बोनेट इस हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, H2CO3, और H2CO3 जो होता है वो कार्बनिक एनहाइड्रेट जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में H2O और CO2 के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। अब सपोज देख, मुझे क्या है, मुझे यूज लेना है डायरेटिक्स का, ठीक है, तो डायरेटिक्स क्या कर रहा है, ये हमारे पास हम बात कर रहे हैं कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के बारे में। तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर क्या करेगा कि जो कार्बनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम यहाँ पे काम आया है उस एंजाइम को ये इनहिबिट करने का काम करेगा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कार्बनिक एनहाइड्रेस कहाँ कहाँ पर काम आया है हमारे पास, एक तो यहाँ पर काम आया है और एक यहाँ पर आया है। ठीक है, दो जगह पर हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज दैट मैंने इस साइट को और इस साइट को इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने इस साइट को इनहिबिट कर दिया तो ये प्रोसेस रुक जाएगी, मतलब ये बाकी की प्रोसेस भी रुक जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट आ रहा है, ठीक है, जो सोडियम आयन और HCO3- आयन जो बाइकार्बोनेट आयन होता है उसके अंदर डिसोसिएट हो रहा है, तो ये सीधा कहां पे चल जाएगा, पीसीटी से होता हुआ हमारे पास डीसीटी में चला जाएगा। और आपको पता है फ्रेंड्स कि जो डीसीटी होती है, डीसीटी के अंदर क्या होता है, डीसीटी के अंदर
सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, और सोडियम पोटेशियम चैनल के थ्रू क्या होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल जो होते हैं उनके थ्रू आयन्स का एक्सचेंज होता है। मतलब क्या कि सोडियम आयन को तो क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और पोटेशियम आयन को वहां से निकाल दिया जाता है। तो अगर सपोज दैट यहां पर कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हुआ, ठीक है, आपने किसी पेशेंट को कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एज लाइक एसिटाजोलामाइड ड्रग दी, तो उस ड्रग के देने पर क्या होगा कि जो सोडियम है वो सीधा कहां पे चला जाएगा आपके पास, डीसीटी के अंदर चला जाएगा, यहां से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, सीधा डीसीटी में चला जाएगा, और डीसीटी में जाने के बाद क्या होगा, वो पोटेशियम के साथ क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जब पोटेशियम के साथ एक्सचेंज होगा तो पोटेशियम क्या होगा, फिर से ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और वो डीसीटी से होता हुआ कहां पे चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। इस वजह से अगर हम नेट इफेक्ट देखते हैं तो नेट इफेक्ट क्या हुआ कि यहां से वाटर का भी लॉस हो रहा है, ठीक है, वाटर का लॉस हो रहा है, ये यहां से निकल जाएगा, वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि डीसीटी के अंदर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम यहां से ज्यादा जा रहा है ना, यहां से रीअब्सॉर्ब तो हो नहीं पा रहा, तो ये सोडियम ज्यादा जा रहा है, इस वजह से क्या होगा डीसीटी के अंदर, ध्यान रखना डीसीटी के अंदर क्या होगा, सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज बढ़ जाएगा। जब सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज बढ़ेगा इसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास, फॉर एग्जांपल सोडियम रहा, ठीक है, पोटेशियम रहा, बाइकार्बोनेट रहा, इनका जो एक्सक्रीशन होता है या लॉस जो होता है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो एसिटाजोलामाइड ड्रग होती है, इस एसिटाजोलामाइड ड्रग को हम डायरेटिक्स के फॉर्म में यूज नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो एफिकेसी होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गई हमारे पास मोड ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं कि इस ड्रग का यूज कहां कहां पे हम करते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। आप बोलोगे कि इसका डायरेटिक्स के रूप में तो यूज लेते नहीं है, तो कहां कहां पे लेते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहला हम यूज लेते हैं इसका ग्लूकोमा के अंदर, ठीक है। ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है कि जो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आपका होता है, ये कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या काम करता है, ये हमारा जो इंट्राऑक्युलर प्रेशर होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। कैसे? कि जो ये एसिटाजोलामाइड होता है ये एक्वस ह्यूमर का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन कम करने की वजह से ये क्या करता है, इंट्राऑक्युलर प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं कि जो एसिटाजोलामाइड ड्रग होती है उस एसिटाजोलामाइड ड्रग को आप ओरली भी दे सकते हो, आप आईवी के थ्रू भी दे सकते हो। तो इसका जो यूज होता है एसिटाजोलामाइड का, वो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा के जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर हम यूज करते हैं, ओरली या फिर आईवी के थ्रू, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं, ये तो हम एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा के अंदर देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा के अंदर हम किसको देते हैं, तो क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा के अंदर हम जो टॉपिकल हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, फॉर एग्जांपल डोर्जोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, इन ड्रग का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात क्या है कि जो एसिटाजोलामाइड ड्रग होती है, ये एसिटाजोलामाइड ड्रग क्या कर रही थी, ये सोडियम को, पोटेशियम को, इनको क्या कर रही थी, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर रही थी। इस वजह से क्या होता है कि जो यूरिन का नेचर होता है वो कौन सा हो जाता है, वो एल्कलाइन नेचर का हो जाता है। तो हम फ्रेंड्स इसको कहां पे यूज कर सकते हैं कि अगर यूरिन एल्कलाइन हो गया तो जो एसिडिक ड्रग है वो क्या होगी, ज्यादा एक्सक्रिएट होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हुई, ठीक है, कोई एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हो गई, तो हम क्या करेंगे, यूरिन को एल्कलाइन कर देंगे, और एल्कलाइन करने के लिए जो ड्रग देंगे उसमें हमारे पास एक ड्रग आती है एसिटाजोलामाइड भी। इस वजह से क्या होता है, हम इस ड्रग को यूज करते हैं एसिडिक ड्रग पॉइजनिंग के अंदर। और तीसरा जो यूज होता है वो हमारे पास आता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर, हम इसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये क्या कर रही थी, यूरिन को एल्कलाइन कर रही थी। एल्कलाइन कर रही थी मतलब क्या है, ठीक है, तो एल्कलाइन करती है ये। तो इस ड्रग ने किया क्या था, इस ड्रग ने जो है ये काम किया था कि इसने सोडियम पोटेशियम वगैरह को तो बाहर निकाला था बॉडी से, और बॉडी के अंदर एच प्लस की कंसेंट्रेशन क्या कर रही थी, ज्यादा कर रही थी। इस वजह से क्या होता है, एच प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होता है,
कि ये जो ड्रग होती है ये ड्रग क्या काम करती है, ये CSF के फॉर्मेशन को भी क्या करती है, कम करने का काम करती है। इस वजह से हम इसको किसमें यूज लेते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो होते हैं इसके अंदर हम, इस जो डिजीज होती है इसके अंदर हम यूज लेते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारे पास ये इसके अंदर हम एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो कोई सी भी ड्रग होती है नॉर्मली उसका एडवर्स इफेक्ट कौन सा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, HSR यहाँ पे फुल फॉर्म है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो आप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट में लिख सकते हो। इसके अलावा आप ड्राउजीनेस लिख सकते हो, इसने पोटेशियम की कमी कर दी, पोटेशियम को बाहर निकाल रही है बॉडी से, इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं हाइपोकैलेमिया भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एडवर्स इफेक्ट के अंदर। इसके अलावा क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशंस भी हो सकती है इस ड्रग की वजह से। इसके अलावा रेनल स्टोन और हेडेक के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट में आपको ये एडवर्स इफेक्ट याद करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में फ्रेंड्स आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, कौन सी, अगर किसी पेशेंट के अंदर लिवर डिजीज है तो उस लिवर डिजीज वाले पेशेंट को हम एसिटाजोलामाइड नहीं देते हैं। क्यों, उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि लिवर हमारा क्या करता है, अमोनिया से किसका फॉर्मेशन करता है, यूरिया का फॉर्मेशन करता है। बट अगर सपोज डेट किसी पेशेंट को लिवर डिजीज है, मान लो उसके अंदर यूरिया का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो होगा क्या कि जो यूरिन है वो यूरिन क्या है, इस ड्रग की वजह से क्या हो रहा है, यूरिन पहले ही एल्कलाइन हो रहा है। और आपको पता है कि जो एल्कलाइन ड्रग होती है वो एल्कलाइन मीडियम के अंदर एक्सक्रिएट अच्छे से नहीं हो पाती, इस वजह से क्या है कि जो हमारी अमोनिया है वो क्या है, एल्कलाइन है, एल्कलाइन नेचर की है, और हमारा जो यूरिन है वो भी एल्कलाइन नेचर का है, तो यूरिन से अमोनिया बाहर नहीं निकल पाएगी, और जो अमोनिया है वो कहां पे चली जाएगी, हमारे पास ब्रेन के अंदर चल जाएगी और ब्रेन के अंदर CNS वगैरह को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो पेशेंट है वो हेपेटिक कोमा के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हेपेटिक कोमा में भी प्रेसिपिटेट इन पेशेंट विद सिरोसिस, ठीक है, बिकॉज इट डिक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इन एल्कलाइन यूरिन। और दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स, कि जो COPD के पेशेंट होते हैं, ठीक है, COPD के जो पेशेंट होते हैं उन पेशेंट के अंदर भी हम इसका यूज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था अभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसका जो एडवर्स इफेक्ट था, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशंस को क्या कर देती है, और ज्यादा खराब कर देती है, और ज्यादा कर देती है। इस वजह से हम इसका यूज जो COPD के पेशेंट होते हैं, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी हम इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके जो है एसिटाजोलामाइड ड्रग या कार्बनिक एनहाइड्रेट ड्रग के बारे में कंप्लीट व्यू है, ठीक है। ये कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।